डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर को खत्म करने के बाद दूसरी चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और इथर। और अल्कोहल, फिनॉल और इथर में हम लोगों ने पिछले क्लास में फिनॉल से जुड़े हुए, फिनॉल से संबंधित आईयूपीएसी नाम को पढ़ा। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। फिनॉल से जुड़ा हुआ कुछ अलग टाइप का आईयूपीएसी नाम, ठीक है? तो यहां पे लिखेंगे टॉपिक्स, फिनॉल से संबंधित, फिनॉल से संबंधित कुछ अन्य यौगिक का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। अब इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि दोस्तों, अगर एक फिनॉल से रिलेटेड सिर्फ ओएच समूह ही रहेगा तब हम लोग उसका नाम कैसे लिखेंगे। यानी कुछ अलग टाइप्स का है जो हम लोग पिछले दिन सीखा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें सवाल कैसे आएंगे, तो कोई भी फिनॉल रहेगा, यह एक फिनॉल है जैसा कि देख पा रहे होंगे, और कोई भी फिनॉल रिंग से के साथ, यानी कि बेंजीन रिंग में ओएच समूह की संख्या दो रहे या तीन रहे या चार रहे, तब हम लोग उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लिया कि OH एक और OH लग गया, तब हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप बताओ कि फिनॉल के आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम लोग जो नंबरिंग करते हैं OH समूह से करते हैं शुरू, तो या तो आप यहां से कर सकते हो या तो आप यहां से कर सकते हो। जब आप यहां से करोगे तो वन, और यहां पे टू थ्री इधर से कर सकते हो, या नहीं तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। तो जहां से इच्छा है आप वहां से शुरू कर दो, जहां से इच्छा है आप वहां से शुरू कर दो। अगर मान लिया आपने यहां से शुरू किया वन, तो टू कहां लिखेंगे, तो जिधर नजदीक पड़ता है, तो ये वन हो गया तो ये टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। कुल मिलाकर हमको ये देखा जाना है कि सभी चीजें वही रहने वाली है, लेकिन हम लोगों का अंतर बस एक ठो ये पता चलेगा कि बेंजीन रिंग में ओएच समूह की संख्या एक से ज्यादा होगा, तब हम लोग उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो उसी में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि फिनॉल का यौगिक का अलग टाइप से भी आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। तो यहां पे आप इसका जब नाम लिखेंगे, सबसे पहले आप उसका नाम लिखिए जहां जहां पे OH जुड़ा है। तो कहां पे जुड़ा है, वन पे और टू पे। तो आप यहां लिखिए वन कॉमा टू, वन कॉमा टू। उसके बाद इसमें फिनॉल वाले में बेंजीन लिखा जाता है, क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, तो वन टू बेंजीन, ठीक है? और कितनी बार OH आया, दो बार, तो मोनो डाई, मोनो डाई। यानी कि OH जो आया यहां पे दो बार आया, तो बेंजीन के बाद आप लिखिए बेंजीन डाई। फिर अंत में सिर्फ ऑल जोड़ना है, तो पूरा नाम हो गया वन टू बेंजीन डाई ऑल। दोस्तों, इसीलिए इसको रखे हैं हम एक अलग टाइप्स में, एक अलग टाइप्स में अलग टॉपिक देकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, आपको दिख रहा होगा कि सर फिनॉल जैसा ही है, लेकिन आप अंत में फिनॉल जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको इस तरीके से आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है? चलिए एक एग्जाम्पल से अगर समझ नहीं आया, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। फिर से हम लोगों को वही बेंजीन रिंग ही है, इस बार OH यहां पे जुड़ा है, OH यहां पे जुड़ा है, OH वहां पे जुड़ा है, ठीक है?
अब हम लोग को अगर ये बोला जाए कि नंबरिंग करना है भाई, तो नंबरिंग करना है तेरे को कहां से आप करोगे? हमेशा तो ओएच समूह के पास से ही नंबरिंग करते हैं। तो आप अगर ओएच समूह से नंबरिंग करेंगे, तो कोई बोला कि सर तब तो हम यहां से भी कर सकते हैं वन, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई वन कर सकते हो। ओ दिया वन यहाँ पे, फिर ओ देने लगा टू, हम बोलेंगे भाई वैसे उधर से टू नहीं देना रहता है, हम लोग वन से शुरू की ठीक है, लेकिन जिधर से सब्टिचुएंट नजदीक पड़ेगा तो टू, तब ना थ्री, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, इधर मिल रहा है, तो जिधर चीजें मिलेंगी उधर से नंबरिंग करेंगे। हम बोलेंगे हाँ, तो टू थ्री फोर ऐसे किया, वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा आकर पूछा कि क्या सर हम यहां से भी तो शुरू कर सकते हैं वन से? हम बोलेंगे कि नहीं भाई, तुम वन से यहां पे शुरू नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाला ओएच जो है बीच में पड़ रहा है। आप बताओ हमें कि जो कार्बन का चैन लेते हैं, कार्बन का चैन लेते हैं तो क्या बीच से कभी नंबर शुरू करते हैं? हमेशा किनारे से शुरू होता है। तो ओएच जब लगातार रहे तो बीच वाला पर ध्यान ही नहीं देना है। ये ओएच और ये ओएच तीनों क्या है, लगातार कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो तीनों जब लगातार रहे दोस्तों तो हमको बीच वाला से शुरू ही नहीं करना है। या तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं या तो आप ऊपर से शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बंदा यहां से शुरू किया वन, तो वो टू कहां लिखेगा? ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि इधर की ओर घूमेगा टू थ्री, तो इधर तो कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत देर के बाद ओएच मिल रहा है, तो इसीलिए इधर से नंबरिंग कर सकता है फोर फाइव सिक्स। यानी कि हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। जब कोई यहां से नंबरिंग किया तो ओएच समूह जो है कहां कहां जुड़ा हुआ है, तो वन पे, टू पे, थ्री पे दोस्तों, जिसका नाम हो जाएगा वन कॉमा टू कॉमा थ्री। उसके बाद दोस्तों हम इस टाइप का पढ़ रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग रहे और एक से ज्यादा ओएच समूह रहे, तो जब एक से ज्यादा ओएच समूह रहेगा तब कैसे आईयूपीएसी नाम लिखना है, हम लोग वही सीख रहे हैं। वन पे जुड़ा हुआ है, टू पे, थ्री पे, तो नाम लिख दिया वन टू थ्री। अब उसके बाद बेंजीन लिखा जाता है, कुछ भी रहे एक से ज्यादा ओएच मिला तो आप उसको बेंजीन लिखिए, तो यहां हो गया बेंजीन। अगर एक ठो अगर ओएच लिखा रहेगा दोस्तों तब ये फिनोल अंत में जुड़ता है, अंत में सफिक्स के रूप में फिनोल लिखा जाता है, लेकिन एक से ज्यादा अगर ओएच लिखा जाए दिख जाए आप उसको बेंजीन लिखिए। उसके बाद देखिए कि कितना बार ओएच लगा हुआ है, तीन बार, मोनो डाई ट्राई, तीन के लिए ट्राई, तो बेंजीन ट्राई ऑल, अंत में ऑल जोड़ देंगे। इस तरीके से अगर हम लोग को अगर ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, तो हम लोग इस तरीके से भी हम लोग इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर टू था, फिर हम लोग आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लिया कि एक बेंजीन रिंग है, यहां पे भी ओएच जुड़ रहा 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 है, ठीक है, ये आपका। और कोई बोलेगा इसका भाई आप आईयूपीएसी नाम लिखो, तो इस तरीके के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रहे हमेशा किनारे वाले से नंबरिंग करते हैं। आप या तो यहां से शुरू कर सकते हैं या तो यहां से शुरू कर सकते हैं। तो जब आप यहां से शुरू करेंगे वन, तो टू किधर लिखेंगे, इधर कि इधर, तो हम बोलेंगे इधर, क्योंकि इधर बहुत सारी चीजें हमें मिल रही है, दिख रही है, ओएच दिख रहा है, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले देखो कि ओएच समूह जो है वो कहां कहां पे है, तो वन पे है, टू पे, थ्री पे, फोर पे, तो इसका नाम होगा वन टू थ्री फोर। उसके बाद क्या जोड़ते हैं, बेंजीन, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद कितना
हाइड्रोक्सिल समूह है, इसी को हाइड्रोक्सिल समूह भी बोलते हैं। कितनी बार OH आया, तो चार बार OH आया है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, चार बार आया है तो टेट्रा, तो बेंजीन टेट्रा ऑल, बेंजीन टेट्रा ऑल। तो इस पूरा का नाम क्या हुआ, 1 2 3 4 बेंजीन टेट्रा ऑल। तो उसी तरीके से हम तीन क्वेश्चन आपको बताए हैं और दो तीन क्वेश्चंस आपको खुद दे रहे हैं करने के लिए। आप इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा कि कितना पे हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं। ये किसके लिए है भाई, तो जब बेंजीन रिंग से OH जो है एक से ज्यादा बार आए, दो बार आए, तीन बार आए। तो चलिए आपके लिए हम क्वेश्चन देते हैं, तो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मान लिया यहां पे बेंजीन रिंग बनाइए, ऊपर में भी OH जोड़ दीजिए और नीचे में भी OH, इसका नाम आप लिखिएगा। फिर पांचवा कुछ इस तरीके से है, यहां पे OH और फिर यहां पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, ठीक है। ये OH, ABOH, ABOH, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे तीन क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है और तीनों का आपको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग लिखा जाए टॉपिक्स इथर के बारे में। इथर, अल्कोहल, फिनॉल और इथर, दोस्तों ये चैप्टर का ही नाम है, अल्कोहल, फिनॉल और इथर। तो अल्कोहल के बारे में हम लोग पूरा नहीं पढ़े हैं, अभी पूरा अल्कोहल खत्म नहीं हुआ, अल्कोहल का सिर्फ IUPAC नाम पढ़े हैं और अल्कोहल का पहचान पढ़े हैं। फिनॉल का पहचान पढ़े कि फिनॉल का पहचान क्या होता है, फिनॉल का IUPAC नाम पढ़े। उसी तरीके से अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इथर के बारे में कि आखिर इथर होता क्या है और इथर का हम लोग IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तब हम लोग, अभी तो पूरा कहानी बाकी है क्योंकि अभी पूरा अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना बाकी है, अभी हम लोग ओलो के बारे में IUPAC नाम के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो इथर के नीचे एरो दिया जाएगा, लिखेंगे एरो देकर, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो समान या भिन्न भिन्न एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े रहते हैं, कॉमा इथर कहलाते हैं, नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो में लिखेंगे सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड R डैश, जहां R इज इक्वल टू R डैश, R डज नॉट इक्वल टू R डैश,
लिख लीजिए फिर बात समझते हैं हम लोग। चलिए अब देखो भाई, इथर किसको कहते हैं, इथर कहते किसको है और इथर का क्या पहचान है उसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों जो इथर का पहचान है ना वो बहुत सटीक पहचान है, आप बहुत अच्छे से इथर को जान सकते हैं, बशर्ते एक चीज आपको जानना पड़ेगा कि इस इथर में एक ऑक्सीजन होता है और आप जानते हैं कि कार्बन जो है चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड, उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड, यानी कि चूंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड बनाता है, एक बनाएगा इधर से एक बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर। तो दोस्तों ऑक्सीजन चूंकि दो बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन के परमाणु जुड़े हुए रहते हैं, उसी को इथर कहा जाता है, ऑक्सीजन हो गया। अब इसके दोनों तरफ क्या जुड़ेगा, तो R, R के बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं, R का मतलब होता है कार्बन का चेन, ठीक है, तो इधर भी जुड़ेगा कार्बन और इधर भी जुड़ेगा कार्बन। तो एक को लिखा है सामान्य सूत्र में कि R O R डैश, यानी कि इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़ेंगे। अब ये कार्बन या तो समान भी हो सकते हैं, इसीलिए लिखा गया है R बराबर R डैश, या तो दोनों ओर अलग अलग हो सकते हैं, डज नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, यानी आप उसको बोलेंगे इथर जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु से दोनों तरफ समान या फिर असमान यानी भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिक जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि जब कार्बन का यौगिक कार्बन का चेन ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम सेम जुड़ा रहे या फिर अलग अलग जुड़ा रहे तब हम उसको बोलेंगे कि इथर है। चलिए अब इथर का पहचान करते हैं, हालांकि याद रखिएगा R O R डैश होता है, R का मतलब कार्बन का चेन, ये दोनों बराबर भी जुड़ सकता है अलग अलग भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर वन इसके नीचे लिखिएगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल फर्स्ट ऐसे भी हो सकता है, देख लो भाई CH3 CH2 ऑक्सीजन, ठीक है, फिर यहां पे आप CH3 दे दिया, ये भी इथर का पहचान हुआ। क्यों इथर का पहचान भाई, क्योंकि ऑक्सीजन एक परमाणु है और इससे दो गो कार्बन का चेन जुड़ रहा है, एक ऑक्सीजन की एक तरफ और दूसरे तरफ, तो इसको हम लोग इथर बोलेंगे भाई। क्यों इथर बोलेंगे, क्योंकि इथर का तो पहचान ही है कि ऑक्सीजन परमाणु से दोनों तरफ कार्बन का चेन जुड़ता है, ये बात अलग है कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, देख पा रहे हैं आप, यहां से आपको दिख पा रहा होगा कि ये भी एक इथर का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है इथर का, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखा जाए तो जहां ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का चेन मिल जाए उसको हम लोग इथर कहते हैं। अब इस केस में देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, देख लो कार्बन का संख्या 3, इधर भी कार्बन का संख्या 3, हाइड्रोजन का संख्या 7, हाइड्रोजन का संख्या 7, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इथर का पहचान है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का चेन जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसका जो सामान्य सूत्र हुआ R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, दोनों बराबर भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है, अगला एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 ऑक्सीजन C2H5,
जी हाँ बिल्कुल, एक तरफ ये ऑक्सीजन हो गया कार्बन दो वाला ऑक्सीजन, और दूसरे तरफ इधर कार्बन का एक एटम। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ तो कार्बन का चयन हुआ ना, एक तरफ एक है एक तरफ दो है, तो अलग अलग है, उससे हम लोग कोई बात नहीं है। फिर तीसरा एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए कुछ अपने तरफ से, जैसे C2H5 ऑक्सीजन कॉमा C3H7, ये भी एक हो सकता है हम लोगों का इथर। तो ऐसा बहुत सारा इथर बन सकता है। हम लोग अभी इथर के बारे में सीखे कि इथर क्या है। तो एक ऑक्सीजन परमाणु होता है और उसके दोनों तरफ कार्बन का चयन होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा हो सकता है, नो डाउट। अब लिखा जाए टॉपिक इथर से संबंधित इधर से होता है, देख लीजिएगा, IUPAC नाम। इथर से संबंधित IUPAC नाम, ठीक है, इथर से संबंधित IUPAC नाम। हम लोग इथर का IUPAC नाम देखेंगे। अब यहां पे हम लोग सीखेंगे कि इथर से संबंधित IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इथर से संबंधित IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे ऑक्सीजन के जिस ओर, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे इथर के से संबंधित IUPAC नाम में, उसका फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या अधिक रहता है वह पीसी होगा, ठीक है। दूसरा सेकेंड एरो देकर लिखेंगे, दूसरा में जिधर से ऑक्सीजन परमाणु नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे उसके बाद थर्ड एरो दिया जाए इसमें सफिक्स के रूप में एन जोड़ा जाता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कॉमा
पहला उसके नीचे लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में OCH3 तब इसका जो नाम होगा मेथॉक्सी, तो उसके सामने लिख दीजिए मेथॉक्सी, फिर लिखेगा OC2H5, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। फिर तीसरा में लिखेगा OC3H7 प्रोपॉक्सी। फिर अगला लिखेगा OC4H9 ब्यूटॉक्सी। फिर पांचवा लिखेगा OC5H11 अगर रहेगा पेंटॉक्सी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम यहां पे ये बोलने वाले हैं कि जरा शुरू से बात कर लेते हैं कि ईथर से संबंधित आईयूपीएसी नाम लिखते में के दौरान हम लोगों को कौन कौन सा बात ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ईथर से संबंधित अगर आईयूपीएसी का नाम बात करें तो हम लोग सबसे पहले तो ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन का संख्या ज्यादा रहेगा हम लोग उसको पीसी बनाएंगे, क्योंकि ईथर का क्या पहचान है, ईथर का पहचान है कि बीच में ऑक्सीजन रहेगा, एक तरफ भी कार्बन और दूसरे तरफ भी कार्बन रहेगा ना भाई, यहां पे तो दोनों तरफ भी कार्बन रहेगा, लेकिन हम लोग किसको पीसी बनाएंगे, तो जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगा, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगा हम लोग उसको पीसी बनाएंगे। यानी कि कभी कभी हम लोग इसको भी पीसी बना सकते हैं, इधर रहा 4 कार्बन, इधर रहा 8 कार्बन, तब हम इसको पीसी नहीं बनाएंगे, इधर वाले को पीसी बना देंगे। यानी कि पीसी किसको बनाना है, तो ऑक्सीजन के जिस ओर ज्यादा कार्बन रहेगा उसको। ठीक है, अब यहां तक तो ये समझ में आ गया। फिर अगर ऑक्सीजन के जिस तरफ बन गया पीसी, तो अब नंबरिंग तो दो ही छोर से होगा। जैसे मान लिया कि यहां पे पीसी बन गया तो पीसी के दो ही छोर से ना नंबरिंग हो सकता है, या तो 1 2 3, नहीं तो 1 2 3 इधर से हो सकता है, नहीं तो इधर से हो सकता है, लेकिन आपको उधर से ही नंबरिंग करना है जिधर से ऑक्सीजन नजदीक पड़ेगा, जिधर से ऑक्सीजन नजदीक पड़ेगा। तो ये दूसरा रूल्स हो गया, दूसरा नियम क्या बताया, दूसरा काम ये करना है कि जिधर से ऑक्सीजन नजदीक पड़ेगा हमको उधर से ही नंबरिंग करना होगा। ठीक है, जब नंबरिंग कर दिया उसके बाद ध्यान रखना है कि ईथर वाले में सफिक्स के रूप में एन जोड़ना है ईथर में। जैसे कि आपको देखिए कुछ चीजें जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा कि जब अल्कोहल है तो इस कैटेगरी में ऑल जोड़ते हैं, फिनोल वाला में है तो कहां फिनोल जोड़ना है, कहां पे ऑल जोड़ना है। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम लोग सीख रहे हैं भाई ईथर, और अभी पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ है, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग आईयूपीएसी नाम है, और सभी आईयूपीएसी नाम को लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का रूल नियम अलग अलग है, तो सब चीज क्या है प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। तो हम लोग अलग अलग चीजें, अलग अलग टाइप्स की चीजें सीखेंगे। तो अभी याद रखना होगा आपको कि ईथर का जो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे हम लोग तो उसके सफिक्स के रूप में क्या लास्ट में जोड़ेंगे, एन। ठीक है, उसके बाद सफिक्स के रूप में जब हम लोग एन जोड़ेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर सब्स्टिट्यूएंट तो समझते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब प्रिंसिपल चेन से बाहर, तो पीसी के बाहर जो रहता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट में OCH3 रहेगा तब इसका नाम आपको लिखना है मेथॉक्सी, OC2H5 रहेगा इसका नाम लिखना है एथॉक्सी, OC3H7 रहेगा इसका नाम लिख देना प्रोपॉक्सी।
उसी तरीके से ऐसा रहेगा तो ब्यूटॉक्सी, C5H11 रहेगा पेंटॉक्सी। ये O का मतलब क्या है, O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन चीजों को ख्याल रखते हुए हम लोग सबका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। वो आईयूपीएसी नाम अभी हम लोग रूल सीख लिए हैं कि इथर का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। अगले क्लास में हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का रियल अप्लाई करेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग इथर से जुड़े हुए, इथर से संबंधित आईयूपीएसी नाम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।